हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बारे में। सो हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। सो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के। तो अगर आप मेरी सीरीज़ पहले से देखते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि डिसइंटीग्रेशन हम किसका पढ़ेंगे, USSR या सोवियत यूनियन, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कैसे हुआ वो हमने पढ़ लिया, बट अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे हमें वो पढ़ना है। तो देखिए, जो सोवियत यूनियन था या जो सोवियत यूनियन का जो सेकेंड वर्ल्ड था, जब उसका कोलैप्स हुआ यानी कि सारी कंट्रीज अलग अलग हुई, ठीक है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज यानी प्रभाव रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीन ब्रॉड काइंड्स, मतलब तीन जो मेन पॉइंट्स हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे कि जो भी चेंजेस आए इस डिसइंटीग्रेशन के बाद, जो 15 कंट्रीज थी USSR या सोवियत यूनियन में, उनके अलग अलग होने के बाद जो भी चेंजेस आए हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब का काफ़ी कुछ इफेक्ट भी रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कि जब एंड हुआ ना ये जो हमारा आप कह सकते हैं USSR था, ठीक है, एक साइड हमारा USA था, एक साइड हमारा USSR था, दोनों ही सुपर पावर्स थी, लेकिन जब USSR टूट गया, ठीक है, तो कोल्ड वॉर ही खत्म हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या चलती थी, कोल्ड वॉर चलती थी। अब जब USSR ही नहीं रहा तो USA कोल्ड वॉर किससे करेगा, तो जो ये कोल्ड वॉर था इस पर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब कोल्ड वॉर चल क्या रहा, किस चीज़ पे, किस कंसेप्ट पे चल रहा था, ये एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट का मतलब है कि USSR वाले कहते थे कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, USA वाले कहते थे कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है। तो USSR वाले किसको फॉलो करते थे, वो सोशलिस्ट सिस्टम या सोशलिज्म को फॉलो करते थे। जो USA वाले थे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिज्म को जो है वो फॉलो करते थे। सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद, कि जो है वो सब सरकार का है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं होता था इसमें, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ नहीं थी। दूसरे साइड हम बात करें USA में, तो उसमें कैपिटलिज्म था, मतलब सब कुछ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ भी सरकार के अंडर नहीं है। तो अब ये दोनों लड़ते रहते थे, इनकी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चलता रहता था। USSR वाले कहते थे कि सोशलिज्म अच्छा है, USA वाले कहते थे कि कैपिटलिज्म अच्छा है। तो जब USSR ही नहीं रहा तो जो ये डिस्प्यूट था, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, यही खत्म हो गया, राइट। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो मिलिट्री की इनके मतलब एक तरह से कह सकते कि होड़ चली रहती थी, ये शो करने के लिए कि अरे मेरी मिलिट्री अच्छी है, USSR वाले कहते थे, USA वाले कहते थे नहीं हमारी मिलिट्री ज़्यादा सुपीरियर है। तो उसके लिए आर्म्स की रेस, आर्म्स में होते हैं हथियार, ठीक है, तो हथियारों की होड़ चली रहती थी, हमारे पास ज़्यादा अच्छे हथियार है, नहीं नहीं हमारे पास अच्छे हथियार है। न्यूक्लियर वीपन्स, हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वीपन्स है, यहाँ पे USA वाले कहते थे हमारे पास ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियर वीपन्स है। तो बस इस सब से क्या हुआ, एंड आ गया, इस जो हथियारों की होड़ चली रहती थी ना, इस पर भी एंड आ गया, और क्या हो गया, पीस बन गया, शांति बरकरार हो गई वर्ल्ड में, क्योंकि USSR ही टूट गया। अब USA के बराबर सुपर पावर स्ट्रांग कंट्री कोई भी नहीं थी, तो USA किससे लड़ता, है ना। तो कोल्ड वॉर हो गई खत्म, पहला तो ये कॉन्सिक्वेंस रहा डिसइंटीग्रेशन का। दूसरा है वर्ल्ड रिलेशंस इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, सॉरी पावर रिलेशंस। तो जो पावर रिलेशंस थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हुए। पावर रिलेशंस क्या होते हैं, पहले दो सुपर पावर्स थी, दो ऐसी कंट्रीज थी या दो ऐसे ग्रुप्स थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बट अब सोवियत यूनियन या USSR कह लीजिए, इसका हो गया डिसइंटीग्रेशन, बचा कौन, USA। तो पावर जो है वो किसके पास चली गई, सारी USA के पास चली गई। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, ओके, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इन दो पॉसिबिलिटीज़ में क्या क्या था, या तो जो USA बच गया है वो यूनिपोलर सिस्टम बनाए, मतलब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए, पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे रूल करे, या फिर जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट बने, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाए, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इंपॉर्टेंस शो करे, एक मल्टीपोलर सिस्टम बनाए जिसमें हर एक कंट्री इक्वल होगी, किसी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कुछ सिस्टम बनाए, ठीक है, जहाँ पर कोई दूसरी कंट्री जो है हम पे रूल नहीं कर सकती, कुछ ऐसा सिस्टम बनाए। तो इससे हुआ क्या, USA जो है वो सोल सुपर पावर बन गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, पावर थी उसके पास, प्रेस्टीज था USA के पास, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी या जो कैपिटलिज्म था पूरे वर्ल्ड में वही छाने लगा। जो वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ये पावरफुल एडवाइजर बन गए इन कंट्रीज़ के। तो इन शॉर्ट होता गया कि जो लिबरल डेमोक्रेसी, अब जो डेमोक्रेसी है इसका कंसेप्ट आया कि सब इक्वल हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी, सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं होगा, ये वाला टाइम आता है।
ना थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखिए जैसे ही सोवियत ब्लॉक या यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब इमरजेंस हुई, द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, नई नई कंट्रीज का इमरजेंस हुआ, नई नई कंट्रीज आई। अब इससे क्या होता है, जितने भी कंट्रीज थे इनके इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस, इनकी चाहतें अलग थी, इनकी चॉइसेस अलग थी, इनका कल्चरल अफेयर्स अलग थे, इनके रिलीजियस अफेयर्स अलग थे, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसी थी, स्पेशली इनमें से कुछ स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ जो हैं और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन यूनियन से हाथ मिलाना चाहती थी, कुछ नाटो का मेंबर बनना चाहती थी, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी जो रशिया के साथ ही रहना चाहती थी, रशिया से ही अच्छे रिलेशन रखना चाहती थी, वेस्ट के साथ और यूएस चाइना इन सब के साथ, मतलब सभी के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती थी। तो इस तरह से हर एक कंट्री का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, कोई किसी के, कोई यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, कोई नाटो में जा रहा है, कोई सेंट्रल एशियन जो है वो रशिया के साथ ही अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है, कोई चाइना वेस्ट के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है। इस तरह से क्या होता है, न्यू प्लेयर्स मतलब न्यू कंट्रीज आई, सबकी अपनी आइडेंटिटी थी अपने इंटरेस्ट से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आज के टाइम पर जो हम हैं वो यहीं से इमर्ज हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई है, कोशिश की है छोटी से छोटी वीडियो में इसको कवर कर दूं। और आपका हमेशा ही शिकायत रहती है कि जो भी हमारी पॉलिटी की जो ये बुक वाले लेक्चर्स हैं आपको एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यानी कि पूरे सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।